Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Gap Season 4 Chapter 12. तो उस दिन के बाद 3 months बीत जाती है. सीन स्टार्ट होती है एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग पर, जहाँ पे मॉन सोफे पर बैठकर अपने सलाद खाते हुए टीवी देख रही थी. कुछ टाइम बाद वहाँ पर सैम आती है. मॉन उसे देख कर स्माइल करती है. सैम उसके पास आती है, सोफे पर बैठती है और मॉन से कहती है, नाउ तुम कैसे हो और तुम्हारी बेबी कैसी है. ये कहते ही सैम मॉन के स्टोमच पर अपने हाथ रखती है. मॉन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और बेबी भी ठीक है, कॉज वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मुझे किक मार रही है. ओ हनी आई एम सो हैप्पी, सैम कहती है. सैम ऐसे बोल रही थी मानो वो अभी रो पड़ेगी. सैम ऑलवेज अपने सेकेंड चाइल्ड को लेकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है. मॉन अपने हाथ पर वो सलाद की प्लेट टेबल पर रखती है और सैम को होल्ड करती है. कौन सैम, आप रो क्यों रहे हो. सैम अपनी वाइफ के गालों पर हाथ रखती है. मॉन मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ रहूँगी, हमारी बेबी के लिए और तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए मैं ऑलवेज ध्यान रखूँगी. अपनी वाइफ की ये बातें सुनकर मॉन की आंखों से भी आंसू आ जाती है. आंसू पेन के नहीं थे, हैप्पीनेस की थे. मॉन अब तुम क्यों रो रहे हो, सैम कहते हैं. मॉन कहती है कि वो बहुत हैप्पी है. सैम उसकी गालों पर अपने हाथ को रब करती है. जब से मॉन प्रेग्नेंट हुई है वो भी एक बेबी की तरह बिहेव करती है. मॉन कहती है, खुन सैम आप ही मेरे हैप्पीनेस की वजह हो. ये कहते ही वो सैम को टाइटली हग करती है. सैम भी उसे हग कर लेती है और उसकी नेक पर किस करती है. मॉन की आंखों से जो आंसू आ रही थी वो उसे पोंछ देती है और सैम भी अपने आंसू पोंछ लेती है, कॉज वो भी राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी. मॉन तुम्हें बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो. कौन सैम, आपका क्या मतलब है, क्या मैं प्रेग्नेंट होने से पहले क्यूट नहीं थी. ये कहते ही मॉन अपने लिप को बाइट करती है और कौन सैम की फेस पर एक पंच करती है. सैम भी अपने लिप को बाइट करती है और खड़ी हो जाती है. हाँ पहले तुम क्यूट थे, स्पेशली हमारी शादी से पहले. तुम्हारे उस हर्टशिप लिप्स के साथ और भी ज़्यादा सेक्सी थे. मॉन सैम की यह बात सुनकर अपनी आँखें छोटी करती है. व्हाट यू मीन कौन सैम, मेरी हार्ट शेप लिप अभी भी वही है, सैम कहते हैं. हाँ वो तो है, तुम्हारे लिप्स ऑलवेज बहुत ही सेक्सी है. तुम्हें पता है ना, जब मैं तुम्हारे लिप्स की ओर देखती हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ. मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं तुम्हारे लिप्स की ओर देख नहीं पा रही थी. सैम जो कि मॉन को परेशान कर रही थी और मॉन भी थोड़ी क्यूरियस हो जाती है. सैम कहती है, क्या तुम जानना चाहते हो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं ऑलवेज तुमसे हाइड करके रखती हूँ. मॉन कहती है, अच्छा और वो कौन सी चीज़ बताओ मुझे. सैम मॉन की ओर देखती है. सैम को साइलेंट देखकर मॉन अगेन कहती है, कौन सैम बताओ नहीं तो मैं अगेन पंच करूँगी. ये एक सीक्रेट हाइडिंग चीज़ थी. सैम एक्चुअली उसे बताना ही नहीं चाहती थी, वो बस उसे परेशान करना चाहती थी. सैम स्विमिंग पूल की ओर भाग के जाती है. मॉन भी धीरे धीरे उनके पीछे जाती है. फिर हमारे लाइफ तो ऐसे ही है, समटाइम्स हैप्पीनेस समटाइम्स सैडनेस. लाइफ में जैसे हमें समटाइम्स कुछ मीठा फल मिल जाती है और उसे टेस्ट करने में हमें बहुत मज़ा आती है, बट अगले ही पल हमें ग्रीन टी भी पीना होती है जो कि बहुत ही कड़वी होती है. तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कड़वी ग्रीन टी को पीने की डर से हम उस मीठे फल को बाइट करना ही छोड़ दें. अगले मॉर्निंग सैम अपनी शावर कंप्लीट करती है सुबह की 8 बजे और मॉन अभी तक बेड पर लेटी हुई थी, कॉज उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी और उसकी हेड पर भी बहुत पेन थी. बट सैम सोच रही थी कि शायद उसकी वाइफ धीरे धीरे लेजी हो रही है, कॉज मॉन अभी 9 मंथ की प्रेगनेंसी पर है. सैम जब ऑफिस चली जाती है उसके बाद
मौत अपनी शावर कंप्लीट करती है, बट वो रियलाइज़ करती है धीरे धीरे उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ रही थी। वो जब बिलफ के साथ खेल रही थी तभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बहुत ठंड लगी थी, उसे मेडिसिन खानी पड़ती है। मेडिसिन को लेते हुए मौन खुद से ही कहते हैं, लगता है मुझे फ्लू हो गई है। ओह गॉड, मुझे इतने वीक महसूस क्यों हो रही है? कल की वेदर बहुत ख़राब थी, आई होप ये मेडिसिन काम करे। फाइनली मौन मेडिसिन खा लेती है और उसकी इफ़ेक्ट पर मौन सो जाती है। अगले सीन में न्यूइंग उसे बुलाती है, मौन तुम कहाँ हो? जब बेबी सिटर बिलव के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, बेबी सिटर कहती है, शायद मैम की तबीयत ख़राब है, वो थोड़ी और टाइम रेस्ट करना चाहती है। टाइम बीत जाने के बाद न्यूइंग तभी भी मौन को नहीं देख रही थी, तो वो मौन के रूम पर जाती है। मौन, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? आंखें खोलो, न्यूइंग कहती है और उसकी फोरहेड पर अपने हाथ को रब कर रही थी। मौन धीरे से अपनी आंखें ओपन करती है। मौन उठो, तुम्हें तो फीवर है। तभी रूम पे बेबी सेटर आती है। चलो मौन, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उन दोनों के पीछे बिलव भी खड़ी थी, अपनी मॉम को ऐसे देखकर वो भी सैड हो जाती है। बेबी सीटर बिलव की फीलिंग्स समझ जाती है, वो जल्दी से कहती है, इट्स ओके बेबी, मम्मा थोड़ी थक गई है, वो बस रेस्ट करना चाहती है। तीनों को इतने परेशान में देखकर मॉम जल्दी से कहती है, खुद नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ टाइम बाद ठीक हो जाऊँगी, मैं बस कुछ ही टाइम पहले अपनी मेडिसिन खाई थी। ये बात सुनकर न्यूइंग थोड़ी शांत होती है। न्यूइंग उसे और भी ज़्यादा रेस्ट लेने के लिए कहती है। फिर न्यूइंग बाहर जाती है, कुछ इम्पोर्टेंट काम थी, और बिलव को लेकर बेबी सेटर अपने रूम में चली जाती है। न्यूइंग सैम को बोलना चाहती थी, बट मौन ही उन्हें मना कर देती है। वो जानती है कि सैम अभी बहुत बिजी पर्सन है और नाउ उनके पास दो कंपनीज है। बट बेबी सीटर थोड़ी डर जाती है कि शायद मौन के साथ कुछ बड़ी चीज़ भी हो सकती है और मौन की फीवर बिलव को भी लग सकती है, इसीलिए नाउ उनके ट्रीटमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेबी सीटर व्हाट्सएप पर सैम को एक मैसेज सेंड की थी। इधर सैम कार में थी, अपने ऑफिस के काम कंप्लीट करके वो घर वापस आ रही थी। बेबी सीटर से वो मैसेज की नोटिफिकेशन देखकर वो उसे ओपन करती है। अगले सीन में सैम घर आ जाती है। इधर मौन की हालत बहुत ख़राब थी, नाव वो बहुत ज़ोर से खांस रही थी। सैम उसे सुन लेती है और जल्दी से अपने बेडरूम पर जाती है। डोर ओपन करके मौन की हालत देखकर सैम एकदम शॉक्ड हो जाती है। मौन बेड पर लेटी हुई थी, उसकी पूरी बॉडी एकदम पसीने से भीग चुकी थी और उसकी फेस एकदम रेड हो चुकी थी। इधर मौन एकदम बेहोश होकर लेटी हुई थी। वो धीरे से कहती है, मुझे पानी चाहिए। सैम इस बात को सुन लेती है और भागकर टेबल पर एक ग्लास लेकर मौन के पास जाती है। मौन को उठाती है और उसे पानी पिलाती है। मौन को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो एक ही बार में पूरी ग्लास एकदम पी जाती है। सैम बहुत परेशान थी, वो मौन की फोरहेड को चेक करती है। ओ गॉड, मौन तुम्हें तो बहुत फीवर है। मौन की पूरी बॉडी बहुत गर्म थी। सैम जल्दी से उसके फीवर चेक करने के लिए एक चीज़ को ढूंढती है, पर वो चीज़ वहाँ नहीं थी, इसलिए वो अपने हाथ से ही मौन को चेक करती है। मौन की टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा बहुत हाई थी। और इधर मौन जो कि अपने फोरहेड पर सैम की ठंडी हाथ को महसूस करते हुए बहुत रिलैक्स फील करती है। बट कुछ टाइम बाद वो बेहोश हो जाती है और बेड पर गिर जाती है, कॉज उसकी फीवर बहुत थी। मौन, मौन क्या तुम मुझे सुन रहे हो? सैम उसके गालों पर अपने हाथ रखती है। बट मौन एकदम बेहोश थी। सैम डर जाती है, वो उसके गालों पर धीरे धीरे हिट करती है। मौन उठो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं तुम्हें अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी।
अपने गालों पर धीरे धीरे स्लैब को महसूस करते हुए मोहन अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों से बस आंसू आ रहे थे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ, मोहन धीरे से कहते हैं। बट सैम लाउडली कहते हैं, नो मोहन, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम्हें ट्रीटमेंट की बहुत नीड है और वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, मैं डर रही हूँ अगर तुम्हें कुछ हो जाएगी तो। ये कहते ही सैम जल्दी से मोहन को होल्ड करती है और धीरे धीरे उसे उठाती है। वो उसे ऐसे होल्ड कर रही थी मानो वो कोई ग्लास को होल्ड कर रही है। मोहन को अपनी बाहों में लेती है और एक ब्लैंकेट से उसे अच्छे से कवर करती है। बट मोहन सैम की बात से दूर आ जाती है और बेड पर सो जाती है। बस शेक करते हुए एक ही बात बोल रही थी कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं पर रहूँगी, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। सैम मोहन को देखकर परेशान हो जाती है। उसे पता चल जाती है कि मोहन उसे लेकर हॉस्पिटल नहीं जाने देगी, इसलिए वो रूम से बाहर जाती है और जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है। ऑल चाइल्ड ब्यूटीफुल, और इसी के साथ गैप सीजन 4 की ये चैप्टर एंड होती है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर में। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।